नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महिलाएं अक्सर जो है मेरे हर एक वीडियो के कमेंट में जो है वो पूछती रहती है कि सर एक वीडियो जो है आप फीमेल के लिए बनाई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज मैंने जितने भी प्रश्न रखे हुए बोर्ड पे वो सारे के सारे प्रश्न जो है महिलाओं के लिए, किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, ठीक है। अब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि योग्यता क्या होनी चाहिए महिलाओं के लिए, ठीक है। अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो तैयारी करें, उनको पता नहीं है कि क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 152 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक। बहुत ही मतलब मैं सरसरी तरीके से जो है कि आपको बता देता हूं, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें, अगर इसके अलावा मिनिमम तो आप जो है आपका एज जो है मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25। यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज मैं बता रहा हूं, मिनिमम तो 18 प्लस होना चाहिए सभी के लिए, ये सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए है। लेकिन बात करें अगर अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। उसके बाद ओबीसी और एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। ये हो गया। अब मैं बता दूं आपको, जो रनिंग करना है, रनिंग आपको करने हैं 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर जो है आपको रनिंग करने हैं और इसके लिए जो निर्धारित समय है वो है 14 मिनट। कितना है, 14 मिनट है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका मिनिमम वेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 40 केजी। कितना होना चाहिए, 40 केजी। ये सारी जितनी भी योग्यताएं हैं, कुछ इसमें मैंने फिजिकल से संबंधित भी योग्यताओं को रख दिया है ताकि जो है कि आपके अंदर कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हो तो वो डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। दोस्तों, जो अगला जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे बोर्ड पे वो है सेफ स्कोर को लेके। दोस्तों, इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो में मैंने सेफ स्कोर बताया है महिलाओं को लेके, आपने देखा होगा कि उन सभी वीडियो में मैंने जो है बताया है 200 प्लस। लेकिन कल परसों में जो लेखपाल का जो रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, उसे देखने के बाद जो है महिलाओं का सेफ स्कोर जो है 210 प्लस। 210 प्लस यदि आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, इन सभी कैटेगरी, इन चारों कैटेगरी की अगर जो भी महिलाएं हैं इनमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम अंतर हो सकता है अगर होगा तो। बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, ठीक है, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सभी महिलाओं का जो है एक कॉमन कट ऑफ जो है निकाला जाए फिजिकल के लिए और डीवी के लिए, ठीक है। तो मुझे बहुत कम ऐसा लग रहा है कि कैटेगरी वाइज जो है महिलाओं का कट ऑफ निकलेगा। ये हो गया हमारा सेफ स्कोर, ठीक है। कितना होना चाहिए, 210 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। टाइम टेबल की बात करें, अब देखिए महिलाओं के साथ जो है ना टाइम जो है कि कैसे दे वो पढ़ाई में, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जो है डाउट्स रहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई उनको जो है घर का भी काम करना होता है, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो आप क्या करो ना, आप रात में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए आप, समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपको दिन में ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो आप क्या करो कि रात का जो खाना वाना आपने बना लिया, खाना वाना खाने के बाद, ठीक है, आप जो है 9 बजे से 1 बजे तक अगर आपने ये 4 घंटे है ना, अगर आपने ये 4 घंटे अगर दे दिए पढ़ाई में, तो ये आपका ना पूरा दिन का जो है कवर कर देगा। रीजन क्या होता है कि जब हम रात में जब पढ़ाई करते हैं, वातावरण शांत होता है, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जो है आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कर पाते हो, जिससे कि आपकी जो 4 घंटे की ये पढ़ाई है ना दिन के 8 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। तो आपको क्या समय निकालना है पढ़ाई के लिए, रात में जरूर आपको 9 से 1, आप कुछ भी कर रहे हो दिन भर आप कुछ भी करो, लेकिन रात में आपको 9 से 1 बजे तक आपको जो है पढ़ाई के लिए समय निकालना है। अब दोस्तों, जो हमारा अगला
जो प्रश्न है वो है आरक्षण, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कितना मिलने की संभावना है? तो दोस्तों उम्र में रिलैक्सेशन, अगर एज में रिलैक्सेशन अगर मिलता है तो चाहे वो महिला हो गए चाहे वो पुरुष हो गए, सभी के लिए समान होगा। अगर 2 साल मिलेगा तो महिलाओं के लिए भी 2 साल होगा। बात करें अगर सीटों में आरक्षण की, क्या अगर मैं बात करूं सीटों में आरक्षण की, तो दोस्तों 20% का जो है महिलाओं के लिए है ना, 20% का जो है सीटों में आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। यदि आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, यदि 100 सीटें निकल रही है, सपोज दैट अगर 100 सीटें निकल रही है तो 100 में से 20 सीटें किसके लिए होंगी? फीमेल के लिए होंगी, महिलाओं के लिए होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारा प्रश्न का जो है कि उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल चुका होगा। अगला जो प्रश्न है वो है रनिंग कब प्रारंभ करें। महिलाएं क्या करती है, एक गलती और बहुत ज्यादा करती है जो महिलाएं हैं, वो ये है कि वो रनिंग जो है पहले से ही ज्यादा स्टार्ट करती है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि ऐसी महिलाएं जो जिनका फिटनेस ठीक है ना, जिनका फिटनेस ठीक है, शरीर ओवरवेट में नहीं है, तो उनको एग्जाम के पहले रनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के बाद उनको पर्याप्त समय रनिंग के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनका वेट अधिक हो, ओवरवेट में है, तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले उनको रनिंग करना है, रनिंग करना है, लेकिन अधिक रनिंग नहीं करना है उनको। सबसे पहले अपने वेट को नॉर्मल करना है, उनको अपने शरीर को फिट बनाना है, ठीक है। अगर आपका बॉडी अगर फिट है तो 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है ना, आप बहुत आराम से 14 मिनट में आप कर ले जाओगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है पांचों प्रश्न का जवाब, और पांचों प्रश्न के आंसर मैंने जो है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का, बहुत अच्छे तरीके से तथ्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट्स, सारे तथ्य बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जिनके मन में भी कोई डाउट्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके, तो आप जो है उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके सारे डाउट मात्र एक वीडियो में जो है क्लियर हो सके। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।